वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, विश्व दिवाली, हैप्पी वाली। मैं एक राइड पर जा रहा हूँ, बेसिकली जा रहा हूँ मैं अयोध्या तक। अयोध्या में दीप महोत्सव होने वाला है तो जो 3 दिन तक चलेगा। अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं तो थोड़ा शाम के टाइम देख सुन के जाइएगा क्योंकि काफ़ी रश होगा। तो उधर तक मैं जा रहा हूँ तो उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वही वाला रूट है जिस रास्ते से हमेशा जाता हूँ, फैजाबाद अयोध्या। अभी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने आपको धेमवा घाट वाला जो ब्लॉग देखना, उसी रूट से मैं गया था। आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं रोड पर, अभी कुछ मुझे जाना है और वापस भी आना है। ये ब्लॉग मैंने बनाया था धनतेरस के दिन, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं रोड पर। सी यू, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं हूँ हाईवे पर और ये गोरखपुर फैजाबाद वाला है, अयोध्या 129 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम लगता है क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दिवाली की वजह से। ये ऑल ऑफ सडन बना ही वाला प्लान मेरी इस राइड का, क्योंकि तो संडे को मैं राइड नहीं कर पाऊँगा इस बार, तो मैंने सोचा चलो होकर आते हैं। फिलहाल वही हाईवे, वही बोरिंग हाईवे, थोड़ा अलर्ट रह के चलाना पड़ रहा है, मतलब लोग दाएं बाएं से निकल रहे हैं बड़ी तेज़ी से कट्टरबाज बनते हुए। चलिए मिलते हैं आगे हाईवे पर, बाय। हाँ जी, तो कैसे हो मेरे चटपटे दोस्तों? फिलहाल लखनऊ से तकरीबन थोड़ी दूर आ गए हैं और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है धनतेरस और दिवाली की वजह से। और अभी जो अयोध्या की दूरी 114 किलोमीटर है, तो अभी देखते हैं कहीं स्टॉप लेंगे। फिलहाल वही बोरिंग रोड और टू मच ट्रैफिक। तो आ गया है फिलहाल पहला टोल और आज मौसम देख रहे हो आप कैसी बदली छाई हुई है, एकदम काफ़ी ठंडक का एहसास करा दे रहा है। ऑल दो मैं पूरी तरह पैक हूँ बट फिर भी हवा तो लगेगी ही। तो फिलहाल अयोध्या आ गया है, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। और दीपोत्सव जो है शायद 27 को है या 28 को है। अगर आपको अयोध्या नगरी में और घाट की तरफ जाना है तो ये वाला रास्ता है। तो गाइस अब अयोध्या में जो दीपोत्सव है वो रात में होगा, तो मैं अयोध्या तक तो आया ही था लेकिन मैं उस चीज़ को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि रात में है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है यहाँ से चलते हैं। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ डायरेक्ट लखनऊ। कुछ खास नहीं हो पाया आज, यहाँ पर इस चीज़ की बड़ी समस्या है यार रोड क्रॉस करने की। अब कुछ कर नहीं सकते ना भाई, ग्रामीण लोग हैं, इधर से उधर आते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो शाम के टाइम तो बड़ा डेंजरस है यहाँ पर, क्योंकि लोग अपने खेतों से और अपने छोटी मोटी दुकानों से वापस लौट रहे होते हैं घरों की तरफ, तो संभावना बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ एक्सीडेंट होने के। तो भैया यहाँ पर जो है अब 60-70 चल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। आते समय 90 आया था, ये देखो कैसे मोदी से मेरी फट गई थी। और यहाँ इस रोड पर स्ट्रीट लाइट तो है नहीं, तो और अंधेरा रहता है। चलिए गाइस फिलहाल
मिलते हैं बाद में। चलो मिलके अच्छा लगा भाई आप लोगों से। लोग इतने क्यूरियस होते हैं इन सब चीज़ों को देख के, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको एक एक चीज़ बताता हूँ तो वो भी खुश होते हैं।